ये डीजल बस थी, इसका लाइफ सरकार के कानून के 9 साल का। अब इसको हमने सीएनजी पे कन्वर्ट किया तो इसका लाइफ हो गया 15 साल। हमारे शहर बस के लिए घाटा है 60 करोड़ का। 1 किलो गैस है 55 रुपए का सीएनजी, और डीजल का भाव है 65 रुपए। 1 किलो सीएनजी इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ डीजल, वो 85 रुपए का हुआ। और इसके डीजल की चोरी होती है, इसकी चोरी भी नहीं होती, तो हम लोग 2 साल के अंदर 60 करोड़ का घाटा निकालते। आपने डीजल की जो बस जो खत्म हो चुकी थी, जिसकी लाइफ खत्म हो गई थी, उसको आपने सीएनजी का बना दिया, 15 साल लाइफ हो गया। तो ये तो बाकी शहरों में भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखो अभी ये रोड कितना सुंदर बना है, ये नया रोड बना है, थाम बड़ा था इसका ब्यूटिफिकेशन। और ये सर आपकी जो रोड स्कीम है उसमें सबसे ज्यादा लॉस कॉन्ट्रैक्टर को है, उसका जो हर साल कॉन्ट्रैक्ट लेके बनाने का गेम है वो खत्म है। आपने पिछले 5 साल में गडकरी साहब देश भर में कितने किलोमीटर की सड़क बनाई होगी? 40,000 किलोमीटर बन के तैयार है और करीब 45,000 किलोमीटर का काम चालू है। आपने करप्शन कम करने के लिए क्या किया? देखो मैं आपके सामने छाती निकाल कर बात कर सकता हूँ। मैंने मेरे डिपार्टमेंट में जो 3 डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज, शिपिंग, पोर्ट्स, इंडियन वाटरवेज और रोड में मैंने 11 लाख करोड़ के रोड के कॉन्ट्रैक्ट किए, पोर्ट में 5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट किए, और मैंने 1 लाख करोड़ के वाटर रिसोर्सेज में दिए गंगा रोड, 16 लाख करोड़ के 17 लाख करोड़ के काम दिए। एक भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मेरे ऑफिस में नहीं आया। अगर मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूँ, करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड क्वालिटी कॉन्शियस। आपके हिसाब से आपके राज्य में जीरो करप्शन? मेरे डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल नहीं है। आप देखो कहीं होगा तो पूछो लोगों को। तो दूसरी बात मैंने क्या की, वेस्ट टू वेल्थ। अभी ये बस भंगार में चली जाती 9 साल के बाद, अब इसको सीएनजी में कन्वर्ट किया, अब ये 60 करोड़ रुपए घाटा कर चुका, 450 बसेस ला रहे हैं। अच्छा ये सीएनजी में हम किससे तैयार कर रहे हैं मालूम? हमने हमारा टॉयलेट का पानी बेचा है महाराष्ट्र सरकार के बिजली बोर्ड को, जिससे हमको 100 करोड़ रॉयल्टी मिल रही, पावर जनरेशन के लिए दिया। अब उस पानी से मीथेन निकालकर CO2 अलग करके बायो सीएनजी पर ये चलाएंगे, फिर वो जो स्लज निकल रही है वो बायोडाइजेस्ट उससे सीएनजी निकालेंगे, और दूसरा जो परली है जो आपके यहाँ होता है उससे हम 4 प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, परली से सीएनजी तैयार करेंगे, परली से मीथेन, मीथेन से सीएनजी। इस देश का किसान का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, एग्रीकल्चर क्राइसिस खत्म हो रहा है। कन्वर्शन ऑफ बायोमास इनटू बायो सीएनजी हम लोग 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके बजाय ये हो जाएगा तो देश में रिवोल्यूशन। वो मेट्रो जा रही है, वो मेट्रो, ये पुरानी भंगार वाली बस है ये। मैं तो ये बायो फ्यूल पे, रिनोवेशन पे, रिसर्च पे बहुत, अभी प्लेन चले 26 जनवरी को हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट बायो एविएशन फ्यूल पे चले, जो जेट्रोपा ऑयल के ऊपर बना है, हमारा स्पाइस जेट का विमान डेहरादून से आया। इस देश का इंपोर्ट ही खत्म हो जाएगा, आप ही समझ लो। सिंपल बात, 7 लाख करोड़ में से अगर 3 लाख करोड़ बच जाएंगे और हमारे एग्रीकल्चर और ट्राइबल में जाएगा पैसा, तो मुझे बताओ कितने रोजगार हो गए, कितना देश की प्रगति होगी, कितना विकास होगा। प्रोजेक्ट्स में स्केल अचीव करना कितना आसान है, छोटे स्केल पे होगा कि बिग स्केल पे? छोटे स्केल पे करो, गरीब छोटे छोटे युवाओं को डालने दो, काय के लिए बड़ी कंपनी चाहिए, और सरकार की कंपनी भी काय के लिए चाहिए। मैंने यहाँ के किसानों को प्रेरित किया कि तुम डालो प्रोजेक्ट अपने यहाँ, उनके आप परली जला देते हैं वेस्ट मटेरियल है, उनको 2,000 रुपये टन भाव मिलेगा, वो अपने यहाँ रोज 100 टन लगता है अपने ट्रैक्टर में डाल के पहुँचाएगा, उसको पैसे मिलेंगे, गांव के युवाओं को मिलेगा, इकट्ठा करने वालों को मिलेगा, ट्रैक्टर को ट्रांसपोर्ट का काम मिलेगा, और ऊपर से सीएनजी सस्ता हो जाएगा। मैं सब वेस्ट पे काम कर रहा हूँ, यूरिन बैंक में काम कर रहा हूँ, मैं अभी ऑर्गेनिक प्लास्टिक ला रहा हूँ, इथेनॉल से प्लास्टिक बनता है डिग्रेडेबल, उसके पीछे लगा हुआ, ये मेरी पैशन है।